जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। सुप्रभात आदरणीय महोदय, निष्पक्ष निर्णायकगण और मेरे सभी प्रतिपक्षी वक्ताओं को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम गुणप्रीत कौर है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मटका चौक से। तो सबसे पहले तो आज का जो हमारा विषय है विज्ञान अभिशाप या वरदान, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, विज्ञान हमारे लिए वरदान ही है। लेकिन फिर भी मेरे कुछ प्रतिपक्षी इसको अभिशाप जैसा नाम दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं। जो आज तो मैं अपने विषय के पक्ष में अपने तर्क रखते हुए अपने प्रतिपक्षी वक्ताओं को ये आईना दिखाना चाहूंगी कि हीरा तो चमकेगा ही। महोदय एक समय ऐसा था जब संजय युद्ध में भूमि में धृतराष्ट्र को सारा आंखों देखा वर्णन सुना रहे थे, लेकिन आज विज्ञान की ही देन है जिसकी वजह से हमारे पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन जैसी चीज से हम पूरी दुनिया को अपनी जेब में समेट के रख सकते हैं, दूर दूर तक हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं। ये किसकी देन है? ये हमें विज्ञान की ही देन है। एक जो चाकू होता है उसका तो कार्य ही काटना होता है, लेकिन ये तो हमारे विवेक पे ही निर्भर करता है ना कि हम चाकू से किसी की गर्दन काट रहे हैं या कोई सब्जी काट रहे हैं। अब विज्ञान ने तो हमें इतनी सारी चीजें दी है। विज्ञान ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और जैसे घर में यातायात के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हम घर में रोज विज्ञान का उपयोग करते हैं। जो एक चाकू बनाया गया वो भी विज्ञान द्वारा ही बनाया गया, और हम जो मिक्सी ग्राइंडर या कुछ भी लाइट का स्विच तक विज्ञान द्वारा बनाया गया। हमें इतनी देन है विज्ञान की और हम फिर भी विज्ञान को बुरा कैसे कह सकते हैं? ये तो वही बात होगी कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में आप छेद कर रहे हो। विज्ञान हमारे लिए वरदान इस तरह की एक कहते होते हैं कि हंसा बगुला एक से मान सरोवर माहे, बाघ डिंडोरे माछरी हंसा मोती खाए। और कौआ होता है एक तो, और एक होता है क्या हंस, वो दोनों ही मानसरोवर में सरोवर में डुबकी लगाते हैं। और जो होता है वो बगुला वो क्या निकालता है बीच में से, मछली निकालता है, और जो हंस होता है वो मोती। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हमने उसके सकारात्मक पक्ष की तरफ जाना है या फिर उसके नकारात्मक पक्ष की तरफ। देखिए शीशे के घरों में रहने वालों को टूटने का डर तो बना ही रहता है, पर इससे हम क्या विज्ञान को गलत कह देंगे? विज्ञान ने तो हमें इतनी चीजें दी, लेकिन हम ही उसका अगर सही उपयोग नहीं कर पा रहे तो इसमें विज्ञान का कोई भी दोष नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी कि विज्ञान का अगर हम सही उपयोग करें तो विज्ञान एक ऐसा वरदान है जिसने मनुष्य को आज चांद पर पहुंचा दिया। आप सोचिए यदि हमारे अस्तित्व में विज्ञान का कोई महत्व ना होता, हमारे पास विज्ञान ना होता, तो क्या हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच पाता? मुझे तो नहीं लगता पहुंच पाता हमारा चंद्रयान। और आज हमारे नासा में जो शुक्रयान का हो रहा है और जो मंगलयान हमारा पहुंचा, आदित्य पहुंचा, ये सब हमें विज्ञान की ही देन है। कहीं ना कहीं हम सब विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कुछ लोग अभी भी विज्ञान को कहते हैं कि एटम हम बनाया विज्ञान द्वारा जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसके बनाए उपकरणों से जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है नुकसान? ये आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, आप उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं है। अगर एटम बम बनाए हैं तो वो तो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे ना, कि हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए। अब उसका गलत उपयोग अगर मनुष्य कर रहा है तो उसमें विज्ञान का दोष मैं तो नहीं मानती कहीं भी है। धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।